मामला है और किससे दर्ज कराया है। दिनांक 5/11/2024 को न्यायालय श्रीमान जेएम नंबर 4 अजमेर से धारा 175 क्लोज 3 सीआरपी बीएनएसएस के तहत न्यायालय से एक इस्तगासा परिवादी रतन सिंह रावत पुत्र राजू सिंह रावत जाति रावत निवासी बड़लिया अजमेर का प्राप्त हुआ, जिस पर परिवादी ने बताया कि जितेंद्र सिंह चारण सलोप गुलाबदान निवासी पाली का रहने वाला था, जो वर्ष 2022 में इन्वेस्ट करने का नाम लेकर और 15% ब्याज का झांसा देकर एक कंपनी एक्सट्रीम टोकन कंपनी बताई, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए पैसे के लिए कहा गया, अच्छा ब्याज मिलेगा, प्रलोभन दिया गया और टीम मेंबर बनाने के लिए कहा गया। और उसने बताया कि इस एक्सट्रीम टोकन कंपनी के का भारत के अलावा नेपाल दुबई और भूटान में भी शाखा हैं, जिससे अच्छा इन्वेस्ट मिल रहा है। इस उसकी बातों पर आकर परिवादी ने खुद के पैसे और करीब 8-10 के 4,56,56,400 रुपये का इन्वेस्ट इस कंपनी में किया। उसके बाद परिवादी के साथ धोखाधड़ी कर जितेंद्र सिंह चारण फरार हो गया, जिस पर इस हादसे का परिवाद प्राप्त होने पर थाना आजा पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। कौन सी कंपनी के नाम पे? एक्सट्रीम टोकन कंपनी है। अच्छा, हाँ, एक्सट्रीम टोकन कंपनी है। न्यायालय के आदेश पर प्रकरण दर्ज किया गया है, प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। धन्यवाद।